अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहम्मद हुज़ैफ़ा चिकमंडिया पूछते हैं कि हज़रत, मैं अपने मोबाइल में कुरान करीम डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। सफ़र में या दुकान में जब भी मुझे मौका मिलता है, वहाँ कुरान नहीं होता तो मैं मोबाइल में ही कुरान पढ़ता हूँ। तो पूछना यह है कि वज़ू के बग़ैर कुरान करीम का वो ऐप मैं छू सकता हूँ, उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, उससे मुझे कोई गुनाह तो नहीं होगा? भाई हुज़ैफ़, सुने, मोबाइल में कुरान मजीद देखकर पढ़ना जायज़ है। हाँ, अगर स्क्रीन पर कुरान करीम खुला हुआ हो तो स्क्रीन के अलावा मोबाइल के जो हिस्से, दूसरे हिस्से हैं, स्क्रीन के अलावा मोबाइल का जो पार्ट्स है उसे छूना और पकड़ना जायज़ है। अलबत्ता जब स्क्रीन पर कुरान करीम खुला हुआ हो तो बग़ैर वज़ू के छूना दुरुस्त नहीं है। गरचे बाज़ मुफ्तियान किराम ये फरमाते हैं कि स्क्रीन पर नज़र आने वाला कुरान असल कुरान नहीं है बल्कि वो अक्स है, इसलिए बग़ैर वज़ू के छूना जायज़ है। लेकिन दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद का फतवा ये है कि जिस वक्त मोबाइल के स्क्रीन पर कुरान करीम की आयतें साफ तौर पर नज़र आ रही हों तो उस वक्त स्क्रीन को बग़ैर वज़ू के हाथ लगाना जायज़ नहीं है। दोस्तों, हमारे बाज़ अकाबिरीन, बाज़ अल्लाह वाले ऐसे भी गुज़रे हैं जो सफ़ेद कागज़ को भी वज़ू के बग़ैर हाथ नहीं लगाते थे। तो अदब और एहतराम का तकाजा ये है कि स्क्रीन पर नज़र आने वाले कुरान को भी बावजू ही छुआ जाए, बग़ैर वज़ू के ना छुए, यही अदब का तकाजा है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।